राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं, 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के अंत को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, ये बड़े दुख की बात है।